नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आए हैं आईपी मॉडल में, जन चेतना अभियान में। तो आपको अंदर चलकर अंदर का माहौल दिखाते हैं और रागनी का कार्यक्रम भी किया गया है और बड़े बड़े लीडर्स यहां पर आएंगे। मानव का निरंतर विकास आज मानव को स्थिति पर ले आया है। कैसा था ये हिंदुस्तान, कैसा था ये आर्यवर्त, ये देश, ये धरती, कैसे थे हमारे निवास। ये हैं अर्दिल अजीज भाई, गजेंद्र दराल निगम पार्षद। हमारे सम्मानित व्यक्तित्व श्री दलवीर माथुर साहब, कराड़ा गांव के रहने वाले, जिला महामंत्री। ये है हरियाणवी कलाकार भाई विकास सैनी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रभारी जी का अभिनंदन करें। जिला बाहरी दिल्ली से उपाध्यक्ष भाई जयदेव बगोलिया जी भी हमारे मध्य में हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी विकास भाई, जगदेव शोकिंग जी, जो आज वो भौतिक शरीर इस दुनिया में नहीं है, आज उनकी मित्र मंडली, उनके साथीगण, उनके प्यारा जो उनका जो सर्कल है, वो सारे साथी बैठे हैं और उन्हीं की आत्मा कामना करते हुए ऐसा देश में माना था, क्योंकि इस कलयुग में और जुर्म होया, ये जुर्म होया।
जी, हमारे सम्मानित अंकल जी अर्जुन दलाल जी 500 रुपए आशीर्वाद देते, बार बार प्रणाम धन्यवाद। हरियाणवी हास्य जगत में अपना विशेष स्थान रखने वाले यूसुफ भारद्वाज जी भी हमारे मध्य में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आज जिस वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, दिल्ली की जनता को पग पग पर जिसने छना है, ठगा है, ऐसे दुष्ट गिरगिट से भी अधिक रंग बदलने वाले, अभी उनकी आवाज दीपक भाई निकाल के सुनाएंगे, ऐसे महामक्कार दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए बिना किसी टेंडर, बिना किसी संवैधानिक तरीके से, बिना किसी संवैधानिक तरीके से अपने शीश महल के ऊपर खर्च कर दिया, जो कहते थे कि आम आदमी हूं, कार में नहीं चलूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उसने देखे किस प्रकार से दिल्ली की जनता की खून पसीने की इस कमाई को व्यर्थ में उड़ाने का काम किया है। मैं निवेदन करूंगा, बहुत ही जिनसे सीखने की भी हमें प्रेरणा मिलती रहती है, हमारे इस जिले के बहुत ही कर्मठ जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नेफेड के चेयरमैन परम आदरणीय श्रीमान अशोक ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी के मध्य अपने विचार रखें। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमान अशोक ठाकुर। तालियों में कोई कंजूसी ना करें दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अशोक ठाकुर जी की हमारे मध्य में कराना से राजरूप जी और पप्पू जी आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भी रहे आपका मुंडला विधानसभा के इस जन चेतना अभियान सभा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। विकास भाई अपने एक कली जो रह गई उसको कंप्लीट कर दीजिए। हमारे बीच में
हमारे जिला के प्रभारी श्री अशोक ठाकुर जी भी पहुंचे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि जो हमारे वक्ताओं के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया जाएगा वो इस भ्रष्ट केजरीवाल को लेकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और हमें वो सारी चीजें जन जन तक घर घर तक पहुंचानी होगी कि किस तरीके से एक भ्रष्ट व्यक्ति ने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया, इस पूरी दिल्ली को भ्रष्टाचार के तंत्र के अंदर चढ़ा दिया और आज दिल्ली त्रस्त है हर चीज के लिए। श्री नरेंद्र मोदी, जय जवान। आवाज थोड़ी धीरे है, संख्या ज्यादा, लेकिन आवाज कम आ रही है। एक फिर से ट्राई कर लेते हैं, जय जवान। थोड़ी सी उनका ये आवाज हल्की थोड़ी हो ही नहीं सकती। आज ये बाहरी दिल्ली जिले के मुंडका विधानसभा की विशाल जनचेतना अभियान सभा जिसको संबोधित भ्रष्ट केजरीवाल को डट कर मुकाबला दे रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय श्री रामवीर बुधूड़ी जी हमारे बीच में आए हैं और वो इस सरकार की पोल खोलने के लिए, इस सरकार को वो मुकाबला जो दिल्ली वालों की हर लड़ाई लड़ने के लिए दिन रात मेहनत करके हाउस में उनको टक्कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उनको ध्यान पूर्वक सुनना है। उसके बीच मैं अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष को कहूंगा कि वो अंगवस्त्र से हमारे रामवीर बुधूड़ी जी का स्वागत करें और उसके बाद आप सबके सामने वो अपने सब रखेंगे। और हमारे बीच में दिलेर खड़किया जी भी आए हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप आराम से बैठिए और लास्ट में भोजन की भी व्यवस्था की गई है, इसलिए शांतिपूर्वक बैठकर इस भ्रष्ट केजरीवाल की जो पोल खोलने के लिए आप लोगों के बीच में सभी प्रवक्ता आए हैं उनको ध्यान पूर्वक सुने और जन जन तक मोदी जी की योजनाएं पहुंचाए। लाल सिंह जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री बजरंग शुक्ला जी, रोड टैक्स के नाम पर देना पड़ता है। यदि किसान खेत में ट्यूबवेल ना भी चलाए तो उसको तब भी 1,200 रुपया, अगर एक यूनिट भी बिजली इस्तेमाल नहीं करता है तब भी बिजली कंपनियों को देना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि हम 1,000 रुपए प्रति है, 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया है। सरकारी स्कूल्स में जो कच्चे कमरे बनाए जा रहे हैं उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 600 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है। अनेक घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए हैं, मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आज नहीं कल अरविंद केजरीवाल की जगह तिहाड़ जेल के अंदर होगी। अच्छा, अभी वो आ गया, मैं देख नहीं पाया, शॉर्ट करना, खत्म करना है। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ। ये है भाई आशय कलाकार भाई दीपक सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंडका से तो मेरा लगाव जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि साहब सिंह वर्मा जी का जिक्र किया और मैं शालीमार बाग से आता हूँ, वहीं से विधायक थे हूँ, तो एक बार तालियां उनकी स्मृतियों को भी होनी चाहिए डॉक्टर साहब की। जोरदार तालियां बजाओ यहाँ से वहां। देखिए, मैं राजनीति से नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। मुझे बुलाया गया है भाई गजेंद्र दराज जी ने बुलाया कि थोड़ी देर आप लोगों को, आजकल क्या है भाई साहब, टेंशन का माहौल बहुत चल रहा है, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है जी। रशिया की टेंशन, यूक्रेन की टेंशन, पाकिस्तान की टेंशन, आतंकवाद की टेंशन, बावजूद बहुत टेंशन चल रही है। ये गजेंद्र भाई मेरे से कह रहे हैं यूक्रेन का रशिया का क्या करें, भाई हमारे तो सारे दोस्त हैं भारत के, भारत तो किसी का नुकसान चाहता ही नहीं, क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा, मैंने कहा रूसी भाग जाएगी भाई, लड़ाई तो रूसी से ही है। तो मैं आप सबको बताऊं मुंडका वालों, दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए मैं सबको जाके बताता हूं, बाबूजी पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए मैं दिल्ली में रहता हूं, हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है, हमारा क्या बिगाड़ेगी।
अच्छा मेरा किसी पार्टी से कोई लड़ना देना नहीं है भाई साहब। हमारे केजरीवाल जी का 8 साल से भाई साहब एक ही काम चल रहा है, जिनको अच्छी लगे तो मुझे खोलना आपकी तालियां, मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, हमारे केजरीवाल जी का बहुत जी एक ही काम है 8 साल से, सुबह सुबह उठो नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो मैं इसको ठीक करके दिखा दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। अब देखो कोरोना खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ, हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, घर घर जाकर वैक्सीन लगाई, तब जाके बीमारियां खत्म हो रही है। केजरीवाल जी का दावा है कि मैंने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है भाई साहब कैसे खत्म किया, पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए उन्होंने, आप सबने देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग 200-300 फीट के, उसमें लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। तालियां कम है आप, इतने तालियों में होगा नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं को बुलाऊंगा। मेरे बारे में बताया लाकड़ा जी ने कि मैं देश के बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूं, मैंने लगभग 5-50-60 नेताओं की मिमिक्री की है, सबकी करता हूं, मैं कुछ एक को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन क्योंकि केजरीवाल जी मेरे बहुत पसंदीदा नेता है मिमिक्री करने के मामले में, भाई साहब नेता वही होता है जो अपने हर काम को साबित कर दे। अभी बताया आदरणीय रामवीर सिंह जी ने, उन्होंने एक दावा किया, बोले दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए, आपने देखा है गली गली में शराब के ठेके खुल गए। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ भाई साहब, शालीमार बाग में तो मंदिर के सामने शराब का ठेका है, लेकिन आप बात करो तो अपने हर काम को सही साबित कर दे, नेता तो वही होता ना जो सही साबित करते। उन्होंने दलाल साहब उन्होंने अपने ठेकों को सही साबित किया, देखना अगर केजरीवाल जी यहाँ आते और मुंडका विधानसभा के लोगों से बात करते तो वो ठेकों को सही साबित कर देते। आपकी तालियां चाहिए, मैं सुनाऊंगा। तो केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब आपने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैंने गली गली में शराब का ठेका खोल दिया, लेकिन ये बीजेपी वाले उसके पीछे की साइंस नहीं बताते। मैंने कहा जी साइंस क्या है, बड़े फायदे हैं शराब का ठेका खोलने के। मैंने कहा जी क्या फायदे हैं, पहले आदमी को शराब पीनी होती थी तो कई कई किलोमीटर दूर जाता था, वो पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था, आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है, अगर कोई पी के गिरता है तो कोई ना कोई तो आपको बचा लेता है कि नहीं बचा लेता है, सब कह रहे हैं बचा लेता है। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, आज रिक्शा वाला भी जाके अंग्रेजी में बोलता है, बडवाइजर दे दो, किंग फिशर दे दो, रॉयल स्टैग दे दो, इसके बड़े फायदे हैं। मैंने कहा जी और क्या फायदे हैं, आप किसी गाँव में जाओ कोरोना मर जाता है अल्कोहल से, आप सबको पता होगा, एक गाँव के कोने में कोरोना आता है शराब का ठेका देख के डर जाता है, वो घूम के इधर से आता है इधर भी एक ठेका खुलवा दिया, वो देख के डर जाता है, और हम शराब की इतनी बदबू उठा देंगे यमुना की बदबू कम लगने लगेगी। ये होता है भाई साहब। अच्छा उन्होंने कहा 500 नए स्कूल खोल दिए, आपने सबने सुना होगा, मैंने उनको सपने में पकड़ा है, मैंने भाई साहब मैं दिल्ली में पैदा हुआ यहीं पढ़ा हुआ, मुझे 500 नए स्कूल दिखाओ। उन्होंने भाई साहब साबित कर दिया, अगर सही साबित कर दिया तो पीछे तक एक भी तालियां मुझे रुकनी नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मुझे स्कूल दिखाओ, केजरीवाल एक बिल्डिंग के सामने ले गए, एक स्कूल तो ये देखो, एक स्कूल तो ये भी होंगे, रैलियां की होंगी, सब लोग आते हैं मुंडका में। राजनाथ सिंह जी अगर आते हैं तो बुलाऊं भाई साहब, राजनाथ सिंह जी को देश के बहुत बड़े नेता है, रक्षा मंत्री है, मेरे बहुत पसंदीदा नेता है वो, और आपको लगे कि वो आ गए तो फिर तालियां उन्हीं के लेवल की मुझे चाहिए। जब राजनाथ सिंह जी लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात जब होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर। भैया आवाज मॉनिटर नहीं आ रहा मुझे, आवाज थोड़ी ठीक करो, आवाज ठीक होनी चाहिए माइक की, ऐसा ना हो मोदी जी की निकाले देवगोड़ा की निकल जाए, आवाज ठीक रहो। बहुत सारे नेता है जिनकी मैंने भूमिका की है, एक और अंत में मैं केजरीवाल जी का पर्चा बनवाऊंगा बाबा बागेश्वर से, बहुत मजा आएगा आपको, इंडिया में बहुत हिट आइटम भी चल रहा है। अमित शाह जी आते देश के गृह मंत्री, बहुत पसंदीदा नेता है मेरे वो, तो कैसे बात शुरू करते गजेंद्र भाई देखना, देखिए ये मुंडका विधानसभा है, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई, और यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है भाई, गजेंद्र दलाल के हाथ मजबूत करने हैं भाई, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी नीचे,
ताकत से बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद। ठीक लग रहा आवाज क्योंकि मॉनिटर नहीं है, समझ में नहीं आ रही, और टाइम बहुत कम है मेरे पास, और मुझे टाइम से क्या करना, मेरा लिफाफा बना पड़ा है, मुझे क्या लेना देना, सुनो मत सुनो। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, मैं देश के बाहर चाइना, ओमान, दुबई जहां भी गया मैंने देखा, वहां पाकिस्तानी लोग भी आते हैं, उनका भाषण सुनते हैं। गजेंद्र जी, अगर मोदी जी आते यहां पर तो कैसे आपको संबोधित करते? बुलाओ मोदी जी को, बुलाओ मोदी जी आते। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के देहात के दिल मुंडका विधानसभा में यह शानदार कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए गजेंद्र जी, और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। ज्यादा मोटा हो गया। बहुत सारे नेताओं के अंत में मैं आपको एक मिमिक्री ऐसे सुनाता हूँ जो आपने, मैं पहली बार आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मैंने उसको आज तक पे परफॉर्म किया था, तो बहुत वायरल हुई। इन दोनों एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल है, बाबा बागेश्वर, उनकी भी सच्चे सनातनी है, तो हमारे बाबा को पूरा सपोर्ट है। लेकिन बाबा को मैं आपके मंच पर बुलाऊंगा, और मैंने सपने में देखा बाबा जी कथा कर रहे हैं, और बाबा ने बड़े बड़े नेताओं के पर्चे खोल दिए। भाई साहब सबके पर्चे खोले बाबा ने, सबसे पहले फंस गए केजरीवाल जी, उसमें खोलो केजरीवाल जी का पर्चा, देखना आपको आनंद आएगा। बाबा जी ने कथा शुरू की, जय श्री राम, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार। सामने से बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का मुख्य, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा पहले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, नरेंद्र मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देता, मैं देश का प्रधानमंत्री। बाबा ने पर्चा खोल रखा, देखो अब बाबा जी का पर्चे पे आने लेना, बाबा ने पर्चा बना रखा, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर एक, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए उनको सैलरी देंगे, हिंदू पुजारियों को सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठठरी बार देवागा तुम। बाबा जी मैं पीएम बनना, सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार भारतीय पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर। शुक्रिया, बहुत बहुत सुनाने का बहुत कुछ है, लेकिन अंत में मैं 4 पंक्ति आपको सुनाकर जाता हूं। जी लाकड़ा जी कह रहे हैं कि पूर्वांचल का समाज भी है, तो लालू जी की क्यों करूं फिर मैं, मनोज तिवारी जी की करूं, लालू जी को क्यों बोला? लालू जी तो आपको सबको पता है, जितने भी हास्य कलाकार भारत में हुए सबके पसंदीदा है, मतलब जितना वो देश के काम नहीं आए उससे ज्यादा हमारे आए। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, आजकल तो क्या है विपक्ष में फैशन चल रहा है, जो भी नेता आता है मोदी जी को गाली देता है, जो भी आता है मोदी जी को गाली देता है, लेकिन जनता ठीक कर देती है। लालू जी एक बार ऐसे मोदी जी के अनाप शनाप बोल रहे थे, एक लड़का उठा लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया, लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी अच्छा दिन, भाइयों बहनों कब अच्छा दिन आएगा, नरेंद्र मोदी कब? नीचे से लड़का उठा बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया, और कितने अच्छे दिन। पूर्वांचलियों की बात की तो हमारे बड़े भाई, मेरे बहुत पुराने मित्र भी मनोज तिवारी जी जो सांसद है दिल्ली से, उनको बुलाऊं? अगर वो आते तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, गला वाला भी थोड़ा सा ऐसे चल रहा है। अरे भाई जानते हैं आप सब लोग, ये जो मुंडका विधानसभा है ना, यहीं से तो केजरीवाल का सरकार गिरने वाला है, और मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हम जब नकल करते हैं, कॉमेडी करते हैं, और जो लोग ताली नहीं बजाते उनको छठी मैया पाप देती।
तो मैं अंत में चार पंक्तियां सुनाने को बहुत कुछ है, बहुत लंबी सीरीज है, लगभग एक डेढ़ घंटा सुनाती है, लेकिन एक छोटी सी हाजिरी लगानी थी भाई गजेंद्र दराल जी के। और मैंने आपको बताया मेरा तो मुंडका से रिलेशन है, मेरी तो बहन भी आई गई है मुंडका में, तो दीपक सैनी भी, उसका भी नाम दीपक सैनी है, मेरा भांजा खड़ा हो रहा देखो, हालांकि सेहत में मेरा मामा लग रहा है वो, लेकिन है भांजा ही है। तो अंत में चार पंक्तियां सुनाता हूँ दोस्तों। आज एक फिल्म का बहुत जिक्र हुआ पिछले दिनों, द कश्मीर फाइल्स, आप सबने देखी होगी। फिल्म के अंदर दिखाया गया कि कैसे कैसे इतिहास बना, कश्मीर का क्या इतिहास था। मैं कवि हूं, मैं लिखता हूं, मैंने मात्र चार पंक्तियां बताई है कि कश्मीर का इतिहास धारा 370 का क्या था, कैसे लगी और कैसे हटी। आपको लगे कि बिल्कुल ऐसे ही हटी है, तो क्योंकि देहात में खड़ा हूं तो बिल्कुल देसी अंदाज में, फिर तालियां चाहिए, देसी पंक्तियां बसूंगा। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ। अच्छा, मेरे को बीच में एक और बात ध्यान आ गई, क्योंकि सुनाने को बहुत कुछ है। अभी रामवीर सिंह जी कह रहे थे दिल्ली सरकार के दो मंत्री जेल में पड़े हैं, पता है ना आपको, दो मंत्री जेल में पड़े बाबूजी हमारे, एक तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन का बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, पता होगा आपको, उनकी मेमोरी चली गई भाई साहब तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा, केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, मैंने भाई साहब ये क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए, उसकी याददाश्त चली गई, वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, ऐसे गई है मेरे सामने, ऐसे निकल के गई है, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा। मैंने कहा अब क्या चाहते हो, मेरी मोदी जी से विनती है कि जल्द से जल्द उसकी याददाश्त को ढूंढ के ले आए, अगर वो सच में भूल गया तो मेरा भी हिसाब किताब रह जाए। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा, वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार जोरदार ताली दीपक सैनी जी के लिए, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करता हूं, बहुत लंबे समय से ये जो मेरे सामने मातृशक्ति माताएं बहने, आप सभी से निवेदन है स्थान ग्रहण कर लें। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दिलेर भाई खरकिया और हमारे विकास पासोरिया जी और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े ही जो है टैलेंट से भरपूर यूसुफ जी हमारे बीच में है, आए हुए हैं और भोजन प्रसाद कार्यक्रम उपरांत लेकर के ही जाएं। आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, कोई भी बिना भोजन के ना जाएं। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भिंड से, को फ्री अनाज देता है और 37 लाख दिल्ली के गरीबों को फ्री अनाज देता है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, पाकिस्तान के आतंकवादी अगर हमारे नौजवानों को मारते हैं तो हमारा नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में घुसकर मारता है, इसलिए हमारा नरेंद्र मोदी कैसा है हम तो स्वीकार है। हमको अरविंद केजरीवाल स्वीकार नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर दंगा करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है, ऐसा झूठा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमारे निर्दोष लोगों 6:30 बजे घर पे पहले हमारे मध्य में हरियाणवी हास्य कलाकार यूसुफ भारद्वाज जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। और क्या हो गया अगजान बैठे जा सूत फिर वह गाल दे भाई रोई तेरा क्या होगा कहने का लिया, फिर वह बोली मेरी बात की तेरा होगा कहने का लिया। गणिये बार होली थी वो काना ने बोलिया तुम जल्दी फैसला कर लियो, मनो और भी काम है। तो भाई पहले तुम फैसला कर लियो कौन गावेगा, गावनिया का तोड़ा कोने। और रही बात दारू की,
अपने भारद्वाज जी मतारे दे बहुत सीनियर है। एक बालक दारू छोटे कोई ना मारे चुके कैसा नमला यार, यो बालक था बड़ा ओबिडेंट था और गुरु जी की अपने मास्टर जी की बहुत मान्या करता। गुरु जी ने बुला लो जो हाँ इसके दिमाग में बैठ गया थे। वो आया उसने पांव पकड़े नशे नशे में, आओ गुरु जी आओ गुरु जी। बोला भाई जब के हाँ गुरु जी मेरी बात मानेगा? बोला बिल्कुल जी। बोला तुम्हें ज्ञान दो? बोला हाँ जी बिल्कुल, मेरे ज्ञान कितने दिन लेता आया हूं। बोला ये दारू में छोड़ दे मैं बताऊंगा तने तो दुर्बे वाली प्या। बोला बताओ जी। दो गिलास में पानी मंगाया, और एक में गिला एक में दारू, एक गिलास भर दिया पानी का और एक भर दिया दारू का, और दोनों में एक के कीड़ा छोड़ दिया। नबिला बेटे जो के ध्यान से देख, वो दारू वाला कीड़ा मर गया और पानी वाला तरता रहा। बोला समझा कुछ है? अब हाँ गुरु जी समझ गया। लके समझा? अब यह दारू पेट के कीड़े भी मारती है। रबला बदतमीज तेरी समझ में नहीं आया? एक और तनिया समझाऊं। दो बाल्टी मंगवाई, एक दारू की भरती और एक पानी की, और एक गधा मंगवाया, दोनों बाल्टी गधे का गदर दी, दारू वाले ने सूंघ का गधा उल्टा पिया और पानी वाले ने चढ़ते ही ने पी गया। नबला बेटा तो दे समझा कुछ है? हाँ गुरु जी समझ गया। के समझा? बिना जो दारू नहीं पीते वो गधे होते। भाई कप्तान हमारे मित्र 500 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। कल से भाई राम फले आज तो भी पी गए राम देह पे ना पिए भाई पी गए मार जो जम रहा भाई मारी बरादरी के जो शराबी भाई थे हम भी डरते छोड़ेंगे पर यो अपनी जगह नहीं हटिया चलना साले यार सोगा हो जाओ। एक अठी राम था गांव में मुनादी करवा दी भाई अठी गुरु जी गाड़ी आ रही होगी तारीख की देख ले नहीं भले आ गए कल के व्लॉग में आ गए तुम दोनों जयंत राम संत राम वीर जयंत राम एक किलो का रोड
मेरी बात सुनो, ये मास्टर गुरुजी सतपाल, ये श्याम भाई, ये हमारा फौजी भाई विजेंद्र, कोई भी भाई हो, कहने वाला क्या स्रोत किसने तो कोई किसने तो जानो ये वो अरुण है, हम जानते हैं कि आप क्या करते हैं। 1,00,000 गुरुजी के नाम, सतपाल के नाम। तो दोस्तों, आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए, जिनको अच्छा लगा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।